हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मलयालम का पहला वेब सीरीज केरला क्राइम फाइल्स रिलीज हुआ है। ये वेब सीरीज कैसे बना है, ये वेब सीरीज में जिन्होंने एक्टिंग किया है उन्होंने किस तरह से एक्टिंग किया है, इस वेब सीरीज का स्टोरी क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वेब सीरीज का स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। केरला की कोची एरिया में एर्नाकुलम थाने में एक ग्रैंड टूरिस्ट लॉज में एक लड़की का मौत हो जाता है और इसका इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है आईएएस मनोज जो रोल कर रहा है अनु भरेस। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचता है तो उनको पता चलता है कि ये लड़की एक सेक्स वर्कर है और इनके साथ भी एक लड़का भी था। तो जांच पड़ताल करने पर पता चलता है ये लड़का एक बांगा था और इस लड़की ने जो एड्रेस दिया था मतलब लॉज बुकिंग करने के टाइम में वो फेक एड्रेस है। तो ये लड़के को किस तरह से वो पकड़ता है ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। देखिए ये स्टोरी जब आप लोगों ने सुना तो आप लोगों को ये पता ही चल गया स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कुछ चीज होते ऐसे होते कि स्टोरी सिंपल है लेकिन उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इस पे निर्भर करता है इसका सक्सेस जो इस फिल्म के जो इस वेब सीरीज में है। इस वेब सीरीज को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो देखने लायक है। बहुत ही एंगेजिंग वेब सीरीज है ये। 6 एपिसोड का वेब सीरीज है और हर एपिसोड में अराउंड 30 मिनट के आसपास है। लेकिन कभी भी आप लोग बोर नहीं होंगे। क्या है कि इसकी जो एक एक सीन है इसके हर सीन का एक एक अलग अलग मीनिंग है। क्या है जी इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो रोल कर रहा है अनु हरगिस जो इसके फिल्म मतलब वेब सीरीज में नाम है मनोज, वो जब अपने फादर इन लॉ से एक कॉफी शॉप में मिलता है देख के तो लगेगा कि ये बिल्कुल मामूली सीन है, कोई पैसे नहीं है, कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है नहीं। लेकिन जब वो सीन आखिर में खत्म होता है तो ये पता चलता है कि जो लोग बांगे होते हैं उनको समाज के प्रति किस तरह से एटीट्यूड रहता है सब कुछ वह उसी एक ही डिस्कशन में पता चल जाता है। और यह भी पुलिस की जो पर्सनल लाइफ है ये भी दिखाया गया किस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होता है उनके काम की वजह से। ऐसे तो ये सीरीज बिल्कुल 6 दिन का है, 6 एपिसोड 6 दिन का है। इस 6 दिन में पूरा ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होता है और इसी तरह से के मतलब इस 6 दिन में उनकी पर्सनल लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से एक कांस्टेबल है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है लेकिन हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने नहीं जा पा रहा है इसकी ड्यूटी की वजह से, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा था कि वेब सीरीज की जो सिंपलिसिटी के साथ ये दिखाया गया ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी थ्रिलर वेब सीरीज में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है एब्यूज लैंग्वेज और एडल्ट सीन डाला जाता है लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपलिसिटी में ये दिखाया गया है। ऐसे तो मलयालम जो थ्रिलर होता है खासकर फिल्मों में आप देखेंगे बहुत ही अच्छी वेल मेड होता है, ये भी काफी वेल मेड है। ये मलयालम का पहला वेब सीरीज है, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ये फिल्म की तरह ही बनाया गया है। जैसे तो आप 30 मिनट करके 6 एपिसोड है अराउंड 3 घंटे का है तो ये अगर 2 घंटे का होता एक फिल्म बनता तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है। क्योंकि एडिटिंग थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा ढीला है, मतलब कुछ जगह पे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा लेंदी, कुछ बैकग्राउंड को डाला गया है इसको लेंदी करने के लिए। वो अगर नहीं रहता एडिटिंग और भी थोड़ा मतलब शॉर्ट होता तो अच्छा रहता, मेरे ख्याल से 2 घंटे का होता तो बेहतर होता, और भी बेहतर होता। ऐसे तो इस वेब सीरीज में जिन्होंने भी काम किया है बहुत ही अच्छे काम किया है। मेन प्रोटैगनिस्ट अनु हरगिस जिन्होंने रोल किया है मनोज का वो बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल कैरेक्टर में जाके काम किया है, बिल्कुल ओवर द कैरेक्टर कभी जाने की कोशिश नहीं किया है। और यहाँ पे काफी डिटेलिंग में दिखाया गया है। जैसे एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक मतलब एक सस्पेक्ट को उठाकर लेकर आते थाने में तो वो बाद में पता चलता है कि ये वो ही नहीं है जिसको दो लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करते और किस तरह से उस पर फेक केस दे देते सारे सब कुछ डिटेल में दिखाया गया है कि पुलिस किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि पुलिस किस तरह से काम करते हैं, उन लोगों का एटीट्यूड किस तरह से रहता है, किन लोगों के पास किस तरह से बातचीत करते हैं, सब कुछ डिटेलिंग में दिखाया गया। काफी एंगेजिंग है, एक वक्त भी आप लोग बोर नहीं करेगा ये वेब सीरीज। तो मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।